हाज़बिल्लमिन शेख़्जी बिसमिल्ल रही असलम मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान टी वी फॉर मैथ पिछले लेक्चर में हमने नाइन्थ क्लास मैथ की एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री स्टार्ट की थी और उसके चार क्वेश्चन कर लिए थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने वन पॉइंट थ्री को क्वेश्चन नंबर फाइव से स्टार्ट करना है तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानब तो इस क्वेश्चन में हमें ये तीन मैट्रिक्स गिवन है ए बी एंड सी थ्री बाय थ्री के तीन मैट्रिक्स हैं तो जो सबसे पहला पार्ट है इसमें उन्होंने कहा है कि ए प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए तो हमने वेरीफाई करना है कि ए प्लस सी जो है वो सी प्लस ए के इक्वल है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए प्लस सी तो ए की जगह हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वन टू थ्री टू थ्री वन वन माइनस वन जीरो तो ये हमने ए का मैट्रिक्स लिख लिया फिर प्लस सी तो ये जो सी मैट्रिक्स हमें गिवन दी है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे उसके बाद प्लस करना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था अगर आपको प्लस करना नहीं आता तो आप दोबारा पिछली वीडियो देखें वहाँ से प्लस करना सीखें तो इधर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर हम इसको आ, इसी तरह हम जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था हम इसको पहले ये वन ये प्लस और ये माइनस वन यहाँ पर आ गया इसी तरह ये टू प्लस ज़ीरो ज़ीरो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इस तरह हम ये थ्री प्लस ज़ीरो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे फिर इसी तरह ये टू प्लस ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा थ्री प्लस माइनस टू ये माइनस टू उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया वन प्लस थ्री ये यहाँ पर आ जाएगा और वन प्लस वन यहाँ पर माइनस वन प्लस वन ये आ गया और ये ज़ीरो प्लस टू आ गया इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास प्लस माइनस ये माइनस आ गया तो हम तो इसको वन माइनस वन लिख दिया आगे टू प्लस ज़ीरो तो ये टू आ गया टू प्लस ज़ीरो टू थ्री प्लस ज़ीरो थ्री टू प्लस ज़ीरो टू ये प्लस माइनस माइनस तो ये थ्री माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे हमने थ्री माइनस टू लिख दिया इसको नेक्स्ट स्टेप में फिर सॉल्व करेंगे और आगे ये वन प्लस थ्री फोर आ गया वन प्लस वन टू माइनस वन प्लस वन ज़ीरो और ज़ीरो प्लस टू हमारे पास टू यानी जी आगे इसको सॉल्व करते हैं वन माइनस वन ज़ीरो टू थ्री टू ये हमने सेम ऐसे लिख लिए ये पहले सॉल्व कर लिए थे ये थ्री माइनस टू रह गया था तो ये थ्री माइनस टू ये वन आ गया बाकी ये फोर टू जीरो टू ये पहले हमने कर लिए वैसे ही आ गए हैंड साइड इसकी आ गई अब राइट हैंड साइड में हमने इसका सी प्लस ए करना है तो सी और ए हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ये सी और ए इन दोनों को हमने प्लस करना है तो ये मैंने इनको प्लस की शक्ल में लिख दिया ये सी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है और ये सी हमारे पास क्या है माइनस वन जीरो 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 माइनस टू थ्री वन वन टू और ये जो ए है ये हमारे पास वन टू थ्री टू थ्री वन वन माइनस वन और जीरो सॉल्व करते हैं ऐसे सिंपल हमने करना है माइनस वन प्लस वन ये आ गया ज़ीरो प्लस टू यहाँ पर आ गया ज़ीरो प्लस थ्री यहाँ पर आ गया ज़ीरो प्लस टू ये आ गया माइनस टू प्लस थ्री यहाँ पर आ गया थ्री प्लस वन यहाँ पर आ गया और वन प्लस वन यहाँ पर आ गया वन प्लस माइनस वन ये माइनस वन ब्रैकेट में लिख दिया तो उसके बाद टू प्लस ज़ीरो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस वन प्लस वन ज़ीरो ज़ीरो प्लस टू टू ज़ीरो प्लस थ्री ये हमारे पास थ्री आ गया जीरो प्लस टू हमारे पास टू आ गया माइनस टू प्लस थ्री ये वन आ गया थ्री प्लस वन ये हमारे पास फोर के इक्वल है वन प्लस वन हमारे पास टू है और ये वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन माइनस वन जीरो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये प्लस का वन और ये माइनस का वन ये दोनों कैंसिल ये हमारे पास ज़ीरो आ गया यहाँ पर इसको अगर ने अगला एक और स्टेप करना चाहें तो उसमें आप इसको ऐसे लिखेंगे वन माइनस वन फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वन माइनस वन जीरो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये वन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वन माइनस वन लिख देंगे और इसको हमने ऐसे वन प्लस माइनस वन लिख दिया और ये हमारे पास टू प्लस ज़ीरो टू तो हमारे पास आंसर क्या है ज़ीरो टू थ्री टू वन फोर टू ज़ीरो टू इस तरह ये ज़ीरो टू थ्री टू वन फोर टू ज़ीरो टू तो हमारा दोनों आंसर से सेम है इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ ए प्लस सी इज़ इक्ल टू सी प्लस ए हमने साबित कर दिया कैसे साबित किया कैसे प्रूव किया सॉल्व करके हमने ए को सी के साथ प्लस किया फिर सी में ए प्लस किया आंसर सेम आ गया तो ये दोनों इक्वल है बिल्कुल सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमने ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए करना है ए बी गिवन है पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए प्लस बी ये ए की वैल्यू आ गई ए की वैल्यू हम लिखेंगे वन टू थ्री टू थ्री वन वन माइनस वन जीरो प्लस बी की वैल्यू वन माइनस वन वन टू माइनस टू टू थ्री वन थ्री ये हमने वैल्यूज़ लिख ली अब इनको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम ये जैसे ये प्लस का साइन है तो हम सारे इन सब के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे तो लगाते हैं साइन तो ये वन प्लस वन ये आ गया ये टू प्लस ये माइनस वन आ गया यहाँ पर ये थ्री प्लस ये वन आ गया ये टू प्लस टू आ गया थ्री प्लस माइनस थ्री प्लस ये माइनस टू आ गया यहाँ पर ये वन प्लस और ये टू ये यहाँ पर लिख दिया इसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे वन प्लस थ्री ये आ गया माइनस वन प्लस वन ये आ गया और ये ज़ीरो प्लस थ्री आ गया यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व करते हैं वन प्लस वन टू इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या टू प्लस माइनस माइनस टू माइनस वन डायरेक्ट भी इसको वन सॉल्व कर सकते हैं मैंने अलग स्टेप बना दिया अगर आप बनाना चाहें तो बना लें अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से टू प्लस माइनस माइनस होता है ये टू माइनस वन यहाँ पर आप डायरेक्ट वन भी लिख सकते हैं मैंने अलग स्टेप बना दिया टू माइनस वन और ये थ्री प्लस वन फोर यहाँ पर टू प्लस टू फोर थ्री प्लस माइनस टू तो प्लस माइनस माइनस टू आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं थ्री माइनस टू को मैंने अलग स्टेप बना दिया थ्री माइनस टू और ये वन प्लस टू थ्री इसी तरह वन प्लस थ्री हमारे पास फोर होता है माइनस वन प्लस वन जीरो और जीरो प्लस थ्री हमारे पास थ्री आ गया आगे बढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ ये दो जो सॉल्व करने वाले रहते थे बस उन्हीं को सॉल्व किया टू माइनस वन वन आ गया और थ्री माइनस टू वन आ गया तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई चले जब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं राइट है हैंड साइड में हमारे पास है बी प्लस ए तो ये मैंने बी की वैल्यू और ए की वैल्यू लिख ली है इसको अब सॉल्व करना है तो हम ये जो प्लस का साइन है हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास वन प्लस वन फिर माइनस वन प्लस टू ये आ गया वन प्लस थ्री ये आ गया इस तरह टू प्लस टू फिर माइनस टू प्लस थ्री यहाँ पर और फिर ये टू प्लस वन ये यहाँ पर आ गया फिर इसी तरह थ्री प्लस वन ये लिख दिया वन प्लस वन सॉरी वन प्लस ये माइनस वन थ्री प्लस वन है और ये वन प्लस ये माइनस वन ये यहाँ पर आ गया और ये थ्री प्लस जीरो आ गया वन प्लस वन हमारे पास ये टू माइनस वन प्लस टू वन वन प्लस थ्री फोर टू प्लस टू फोर माइनस टू प्लस थ्री वन टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर और ये फिर मैंने डायरेक्ट डे, कर दिया है इस तरह आप भी कर सकते हैं अगर आप अलग से स्टेप, स्टेप बनाना चाहें तो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे बनाना है आप इसको लिखेंगे वन माइनस वन देखिए ये प्लस माइनस है तो वन माइनस वन लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में वन वन से कैंसिल हो जाएगा ये आप कहें कि वन माइनस वन ज़ीरो तो ये थ्री प्लस ज़ीरो थ्री है तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू तो राइट हैंड साइड नाइन्स प्रूव ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस ए अगला क्वेश्चन भी इस तरह सॉल्व करना है बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बी प्लस सी बी की वैल्यू लिख दी मैट्रिक्स पूरा प्लस सी का मैट्रिक्स लिख दिया इनको प्लस करना है ये वन प्लस ये माइनस वन माइनस वन प्लस ज़ीरो वन प्लस ज़ीरो इसी तरह ये दूसरी रो के साथ दूसरा रो प्लस कर दी तीसरी रो के साथ तीसरी रो प्लस कर दी अब तो इनको प्लस करना है तो ये वन प्लस माइनस ये माइनस तो ये हो गया हमारे पास वन माइनस वन हो गया ये हमारे पास माइनस वन वन प्लस जीरो वन प्लस माइनस तो आपको वैसे ही आती है आप खुद भी कर सकते हैं तो ये टू ये माइनस टू ये प्लस माइनस माइनस टू हो गया थ्री प्लस टू फाइव थ्री प्लस वन फोर वन प्लस वन टू और थ्री प्लस टू फाइव ये हमारे पास यहाँ पर वन माइनस वन ज़ीरो और ये माइनस टू माइनस टू माइनस फोर तो ये मैंने इसको ज़ीरो और माइनस फोर लिख दिया आप पिछले स्टेप में भी इसे कंप्लीट कर सकते हो इसी तरह आपने सी प्लस भी करना है अब आप आपको समझ आ गया आप देखें इसको कैसे करना है देखें इन दोनों को प्लस किया पहली रो के साथ ये पहली रो पूरी प्लस कर दी दूसरी रो के साथ दूसरी रो प्लस कर दिया है इसी तरह तीसरी रो के साथ तीसरी रो प्लस कर दी है ये सारे प्लस के साइन इस तरह आपने लगा लेने ये वन प्लस थ्री वन प्लस वन टू प्लस थ्री ये लास्ट रो जो है इस पे इसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व करना है माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो माइनस वन ये मैंने जीरो माइनस वन लिख दिया प्लस माइनस था इसके लिए इसको मैंने माइनस वन लिख दिया उसके बाद ज़ीरो प्लस वन वन आ गया हमारे पास ज़ीरो प्लस टू हमारे पास ये टू के इक्वल है माइनस टू प्लस माइनस टू है तो प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस टू माइनस टू लिख दिया यहाँ पर ये थ्री प्लस टू फाइव और दिए हमारे पास थ्री प्लस वन फोर वन प्लस वन हमारे पास टू है और थ्री प्लस टू टू प्लस थ्री हमारे पास फाइव तो इसमें ये जो हमारा सॉल्व होने वाला रहता था ज़ीरो माइनस वन ये माइनस वन आ गया और ये माइनस टू माइनस टू हमारे पास माइनस फोर आ गया देखेंगे आंसर दोनों तो सेम है बिल्कुल ज़ीरो माइनस वन वन टू माइनस फोर फाइव फोर टू फाइव ये इधर भी वही है ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो जीरो माइनस वन वन टू माइनस फोर फाइव और फाइव फोर टू फाइव आंसर सेम है इसलिए हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंड्स प्रूफ बी प्लस सी इज़ टू सी प्लस ए जाना जी अगला क्वेश्चन है इसमें उन्होंने कहा है ए प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू टू ए प्लस बी तो इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करनी है ए प्लस इंटू बी प्लस ए ये मैंने ए लिख लिया प्लस इंटू बी प्लस ए ये ब्रैकेट लगा दिया सबसे पहले ये ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है तो ये इसको मैंने प्लस कर लिया है आप देख लें प्लस किया है वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू वन प्लस थ्री यहाँ से ये पहली रो ये दूसरी रो है ये टू प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री और टू प्लस वन इस तरह तीसरी रो है थ्री प्लस वन वन माइनस वन एंड थ्री प्लस जीरो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं वन प्लस वन टू माइनस वन प्लस टू वन वन प्लस थ्री फोर टू प्लस टू फोर माइनस टू प्लस थ्री वन टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन हमारे पास फोर वन माइनस वन ज़ीरो और थ्री प्लस ज़ीरो थ्री चलें जी यहाँ तक हो गया आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इन दोनों को अब हम प्लस करेंगे इन दोनों को प्लस करना है पहली रो के साथ ये पहली रो प्लस कर दी सारी वन प्लस टू टू प्लस वन आ गया और ये थ्री प्लस फोर आ गया इस तरह टू तो प्लस फोर थ्री प्लस वन और वन प्लस थ्री <coughs> फिर हमने तीसरी रो को प्लस करना है इसी तरह वन माइनस वन जीरो को फोर जीरो थ्री के साथ जब प्लस किया तो वन प्लस फोर माइनस वन प्लस ज़ीरो और जीरो प्लस थ्री मैंने इसको सिम्प्लीफाई जब किया तो वन प्लस टू थ्री टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस फोर सेवन फोर प्लस टू सिक्स थ्री प्लस वन फोर वन प्लस थ्री फोर वन प्लस फोर फाइव और माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन जीरो प्लस थ्री ये थ्री आ गई चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंप्लीट हो गई अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं राइट हैंड साइड में उन्होंने हमें दिया हुआ है टू ए प्लस बी ये हमने टू लिखा ए मैट्रिक्स लिख लिया प्लस बी मैट्रिक्स जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन है हमारे पास तो ये जो टू है इस टू को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है मैंने मल्टीप्लाई में आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में जो जो भी यहाँ पर डिजिट दिया होगा उनको सारी एंट्रीज मैट्रिक्स की जितनी भी टोटल एंट्रीज़ होंगी सबके साथ मल्टीप्लाई करना है हैं तो मैं। लेकिन ये टू सिर्फ ए के साथ दिया हुआ बी के साथ नहीं है ऐसा नहीं करना कि इधर भी मैट मल्टीप्लाई कर दें इधर भी नहीं सिर्फ ये ए के साथ दिया हुआ तो है तो ए की जितनी एंट्रीज़ हैं यहाँ पर टू ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है इसका मतलब है कि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा जस्ट इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने इसलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ये सब सारी एंट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई आएगा टू मल्टीप्लाई वन टू मल्टीप्लाई टू टू मल्टीप्लाई थ्री ये सब के साथ मैंने ऐसा टू लिख दिया मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स के साथ अब इसको सोल्व करते हैं टू वन द टू 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 द फोर टू थ्री सिक्स ये टू टू द फोर टू थ्री दिक्स टू वन द टू टू वन द टू टू वन द टू और ये प्लस ये माइनस ये माइनस टू आ जाएगा टू मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस टू और टू मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो तो नहीं नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करना है इन दोनों को प्लस करना है ये पहले रो, रो इधर ये पहली रो इन दोनों को प्लस किया तो ये मैंने अब जैसे मैं आपको डायरेक्ट कह रहा था ना अब इसी तरह डायरेक्ट मैंने इनको प्लस किया है आपने भी आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट प्लस करना शुरू करना है जैसे ये अगर आप नहीं भी कर सकते तब भी कोई बात नहीं है आप अलग से स्टेप बना लें लेकिन इससे ये होता है कि क्वेश्चन जल्दी हल हो जाते हैं क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है तो इतना थोड़ा सा इतना जो है ना शॉर्ट करना चाहिए लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं आप इसको अलग स्टेप में भी कर सकते हैं तो ये मैंने इसको किया टू प्लस वन ये आ गया यहाँ से ये फोर ये प्लस था ये माइनस वन था तो ये मैंने प्लस माइनस ये माइनस लिख दिया फ़ोर माइनस वन कर दिया इसी तरह ये सिक्स है ये सिक्स प्लस वन आ गया ये फोर प्लस टू ये सिक्स माइनस टू है ये प्लस माइनस माइनस तो ये सिक्स माइनस टू अगर आपसे माइनस में नहीं होता डायरेक्ट तो आप इसको अलग स्टेप में भी कर सकते हैं बाकी ये फिर टू प्लस टू और ये बाकी नीचे वाला लास्ट हो ये सारी प्लस कर दिए अब इसको प्लस करते हैं टू प्लस वन थ्री फोर माइनस वन थ्री सिक्स प्लस वन सेवन फोर प्लस टू सिक्स सिक्स माइनस टू फोर टू प्लस टू फोर टू प्लस थ्री फाइव माइनस टू प्लस वन ये माइनस वन जीरो प्लस थ्री हमारे पास थ्री के इक्वल आ गया जी अब ये हमारे पास थ्री थ्री सेवन सिक्स फोर फोर फाइव माइनस वन थ्री इधर देखें थ्री थ्री सेवन सिक्स फोर फोर फाइव माइनस वन थ्री तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हमने लिख दिया हैंड्स प्रूव ए प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू टू ए प्लस बी तो चलें जी अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं पार्ट नंबर फाइव सी माइनस बी प्लस ए सी माइनस बी पर ब्रैकेट है और प्लस ए बाद में है, और इधर सी प्लस इनटू ए माइनस बी ये ब्रैकेट है ये ए माइनस बी तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे सी माइनस बी प्लस ए सी माइनस बी के ऊपर ब्रैकेट ब्रैकेट है ये ब्रैकेट लगा दी ये प्लस ए की वैल्यू आ गई सबसे पहले हमने सी में से बी माइनस करना है तो ये मैंने इसको माइनस किया माइनस वन माइनस वन फिर तो इसी तरह ज़ीरो ये माइनस माइनस प्लस तो ये ज़ीरो प्लस वन इसी तरह ये ज़ीरो माइनस वन ये आ गया ये फिर ज़ीरो माइनस टू यहाँ पर लिख दिया ये माइनस टू और ये माइनस और माइनस प्लस टू माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू इसी तरह ये थ्री माइनस टू आ गया उसके बाद हम वन माइनस थ्री करेंगे फिर वन माइनस वन और टू माइनस थ्री तो ये हो गया इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू ये जीरो प्लस वन वन जीरो माइनस वन माइनस वन के इक्वल जीरो माइनस टू माइनस टू के इक्वल है माइनस टू प्लस टू जीरो थ्री माइनस टू वन वन माइनस थ्री माइनस टू वन माइनस वन ज़ीरो टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस में ये वैसे ही आ जाएगी वैल्यू उसके बाद हमने इसको प्लस करना है इन दोनों को तो ये माइनस टू प्लस ये वन फिर वन प्लस टू फिर ये माइनस वन प्लस थ्री फिर ये माइनस टू प्लस टू ये आ गया ये ज़ीरो प्लस थ्री वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन ये ज़ीरो प्लस माइनस ये प्लस माइनस वन आ गया अब इसको डेड करते हैं, ज़ीरो माइनस वन करते हैं डायरेक्ट और फिर ये माइनस वन प्लस ज़ीरो ठीक है चलिए ये मैंने वही दोबारा लिख लिया है यहाँ पर तो जो पहले जो मैंने अभी आपको दिखाया सेम वही लिखा है कोई चेंजिंग नहीं है इसमें उसके बाद ये माइनस टू प्लस वन माइनस वन है वन प्लस टू हमारे पास थ्री है माइनस वन प्लस थ्री टू है माइनस टू प्लस टू ज़ीरो ज़ीरो प्लस थ्री थ्री वन प्लस वन टू माइनस टू प्लस वन माइनस वन जीरो माइनस वन ये माइनस वन और माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन अब इसके हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास सी प्लस इंटू ए माइनस बी है तो माइनस करना आपको अभी मैंने आपको सिखा दिया है अब आप खुद माइनस करेंगे आप बस यहाँ से देखें आप वीडियो को स्टॉप कर पॉज पे लगा कर आप ख़ुद इसको सॉल्व करें और यहाँ से देखें हमने कौन सी मिस्टेक की है अब आप ख़ुद इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैंने C प्लस ए माइनस बी लिख दिया ये मैंने A में से B को माइनस कर दिया सिंपली कोई भी इसमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं है सब वही कुछ है ये मैंने इसको माइनस किया अरे एंट्री में से इस मैट्रिक वो एंट्री माइनस किया है उसके बाद ये मैंने इसको सिंपल माइनस किया वन माइनस वन ज़ीरो टू प्लस वन थ्री थ्री माइनस वन टू ये इस तरह इसको आपने सॉल्व करना है तो ये आपके पास यहाँ पर प्लस का साइन है इसके बाद हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है तो ये माइनस वन प्लस जीरो ज़ीरो प्लस थ्री ज़ीरो प्लस टू इस तरह सारे आपने लिख के उसके बाद अगले स्टेप में आपने इनको प्लस कर देना है माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन माइनस टू प्लस फाइव ये थ्री ये थ्री माइनस वन टू इसी तरह ये वन माइनस टू ये माइनस वन ये सारे आपने खुद करने हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ये देखें आप ये माइनस वन थ्री टू ज़ीरो थ्री टू और नीचे सारे माइनस वन है इसी तरह माइनस वन थ्री टू जीरो थ्री टू और ये सारे माइनस वन आ गए कह लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव इंटू सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस इंटू ए माइनस बी तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है क्या जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानते बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन है छठा पार्ट है इस क्वेश्चन का तो इसमें उन्होंने कहा है कि टू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस इंटू ए प्लस बी तो टू ए है तो ए हमने मैट्रिक्स लिखा प्लस ये हमने बी मैट्रिक्स लिखा तो ये जो टू है और ए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब एलिमेंट्स ये जितने भी ये डिजिट हैं जितने भी एंट्रीज़ हैं सबके साथ हमने टू को मल्टीप्लाई कर दिया ये जितनी भी एंट्रीज हैं सब लिख के उनके साथ टू को मल्टीप्लाई किया प्लस ये हमने पूरा वैसे मैट्रिक्स लिख दिया अब टू को इनके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया टू 2 बन टू टू द फोर थ्री टू द दिक्स टू टू द फोर थ्री टू द दिक्स टू वन द टू टू वन द टू टू माइनस वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू और ये जीरो ये वैसे ही आ गया सेम अब इनको जब प्लस करेंगे तो ये मैंने इनको प्लस की फॉर्म में लिख दिया सिंपल हर हर डिजिट के साथ इसका डिजिट प्लस कर दिया है प्लस करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ गया थ्री ये थ्री ये सेवन ये सिक्स ये सिक्स माइनस टू फोर टू प्लस टू फोर टू प्लस थ्री फाइव माइनस टू प्लस वन माइनस वन और जीरो प्लस थ्री हमारे पास ये ज़ीरो आ गया इस तरह इसकी अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड में हम इसको इन सब को हम ऐसे ही प्लस करेंगे ये इन्होंने दिया हुआ ए प्लस इंटू ए प्लस बी तो ये ए प्लस बी पहले भी इसी वीडियो में ये ऊपर ही अभी हमने जो प्लस किया है ये पीछे अभी हम वीडियो में प्लस करके आए हैं ए प्लस भी तो वो आपने देख लेना है ए प्लस भी ये आपने प्लस किया और ये इधर हमारे पास ये देखें ये इसको प्लस कर लिया ये हमारे पास टू वन फोर फोर वन थ्री फोर जीरो थ्री आ गया और ये हमारे पास ये पहले वाला जो ये जो मैट्रिक है हमारे पास ये ये हमने मैट्रिक्स लिखा है ना ये ए प्लस इंटू ए प्लस बी है एक बार तो ए प्लस बी कर लिया अब जो आंसर आएगा उसके साथ ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वाला इसको हमने उसके साथ आंसर के साथ प्लस करना है तो यहाँ पर ये मैंने वैसे लिख लिया अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये इन दोनों को प्लस कर लिया है वन प्लस टू टू प्लस वन थ्री प्लस फोर तो ये सारे इसी तरह ये यहाँ से ये सारे प्लस किए हैं प्लस करने के बाद जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थ्री ये थ्री ये थ्री प्लस फोर सेवन टू फाइव फोर प्लस टू सिक्स थ्री प्लस वन फोर वन प्लस थ्री फोर इस तरह वन प्लस फोर फाइव माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन जीरो प्लस थ्री ये थ्री आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है दोनों आंसर से सेम है इसके बाद हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस इन टू ए प्लस बी चले जी अब इसका सातवा पार्ट देखते हैं सातवें पार्ट में माइनस वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो माइनस टू थ्री वन वन टू ये मैट्रिक्स है सी ये इधर इधर दिया हुआ है ना सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है ये मैट्रिक्स सी आ गया हमारे पास ये माइनस बी आ गया और ये ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया और ये बाहर ब्रैकेट आ गई सबसे पहले ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे ये इस तरह ये देख लें ये सिंपली इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस वन ये माइनस वन ये आ गया इस तरह ये ज़ीरो और ये माइनस माइनस प्लस ज़ीरो प्लस ये वन आ गया और ये ज़ीरो ये माइनस ये वन यहाँ पर आ गया ये ज़ीरो माइनस टू आ गया ये माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू आ गया इसी तरह ये थ्री माइनस टू आ गया ये वन माइनस थ्री वन माइनस वन और ये टू माइनस थ्री इस तरह आपने इनको सॉल्व कर लेना है तो ये सारे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ये मैट्रिक्स आ गया अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है तो ये हमारे पास माइनस टू माइनस वन वन माइनस टू ये यहाँ से मैंने ये सारे लिख लिए हैं और डिजिट के साथ इसको माइनस करके लिख दिया है जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस टू माइनस वन हमारे पास माइनस थ्री वन माइनस टू हमारे पास माइनस वन होता है माइनस वन माइनस थ्री हमारे पास माइनस फोर होता है माइनस टू माइनस टू हमारे पास माइनस फोर जीरो माइनस थ्री हमारे पास माइनस थ्री और वन माइनस वन हमारे पास ज़ीरो होता है इसी तरह माइनस टू माइनस वन हमारे पास माइनस थ्री होता है ज़ीरो प्लस वन हमारे पास वन होता है माइनस वन माइनस जीरो हमारे पास माइनस वन होता है राइट हैंड साइड इसी तरह इसकी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड में सी माइनस ए और माइनस बी आ जाएगा तो सी माइनस ए ये हमने सी का मैट्रिक्स लिख लिया ये ए का मैट्रिक्स लिख लिया है यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दिया है अब इनको सॉल्व करना है ये माइनस बी अभी साइड पर रहेगा इन दोनों को सॉल्व करना है ये सब के साथ माइनस का साइन लगा के इस तरह लिख लेना है अगले स्टेप में इन सबको माइनस कर लेना है माइनस करने के बाद ये माइनस माइनस और ये मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद ये सिंपलीफाई हो गए हैं इन दोनों को अब माइनस करना है तो ये सारे लिखेंगे इसके साथ ये सबको माइनस करेंगे हर एक एक डिजिट के साथ इधर से एक एक डिजिट ऐसे माइनस करते यहाँ लिखते जाएंगे जैसे ये माइनस टू और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस वन हो गया इसी तरह ये माइनस फाइव ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस टू हो गया इस तरह ये सारे आपने लिख लेने हैं उसके बाद इनको जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर माइनस फोर माइनस थ्री ज़ीरो माइनस थ्री वन और माइनस वन ये हमारे पास आंसर है ये पहला भी आंसर हमारे पास यही था आप देख सकते हैं और अब भी यही आंसर है राइट हैंड साइड का तो हम इसको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैं सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया चले जी अगला क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर एट है हमारे पास क्वेश्चन का तो हम इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बिल्कुल सिंपल है ए प्लस बी हम पहले करके आए हैं ये मैंने ए प्लस बी लिखा ये प्लस सी आपने सिर्फ इसको देख लें एक नज़र बिल्कुल इजी है इसमें कोई मुश्किल नहीं है एक दफ़ा इसको देख लें हमने पहले भी किए हुए हैं वीडियो को पीछे करके देख लें दोबारा मैथेड समझ लें अगर आपको समझ नहीं आई तो इस तरह हमने इनको प्लस करना है कुछ भी नया नई चीज़ नहीं है सबसे पहले इन दोनों को प्लस किया यहाँ पर लिख दिया इनको प्लस किया ये आंसर आया अब इस आंसर में ये जो C प्लस करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करना है फिर ये C की वैल्यू प्लस करनी है तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह इनको जब सोल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया इसी तरह हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है ए प्लस बी प्लस सी ये ए बी सी तीनों इस तरह लिख लेने हैं ब्रैकेट है बी प्लस सी पे इन दोनों को इसलिए पहले सॉल्व करना है ठीक है ये इस तरह है जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह है, इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे उसके बाद इनको आप प्लस करेंगे तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गया इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा तो आपने सिंपल इसको खुद सॉल्व करना है आप जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी आप को अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा एक बार वीडियो पीछे करके ज़रूर देखना अब मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत गाइड करूंगा चलें जी ये हमारे पास अगला मैट्रिक्स है मै, अगला क्वेश्चन है नाइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी तो ये हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले ये ए आ गया प्लस ये ब्रैकेट में था ना बी माइनस सी तो मैंने बी माइनस सी को ब्रैकेट में लिख दिया ये यहाँ पर भी ब्रैकेट आ जाएगी ठीक है तो आपने इनको इस तरह सॉल्व कर लेना है ये मैंने इन दोनों को फिर माइनस किया माइनस करने के बाद ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया ये अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ये आंसर हम काफ़ी दफ़ा निकाल चुके हैं पहले भी बी माइनस सी हमने किया तो आपने देख लेना है उसके बाद ये हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हो गए अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे देख लें आप कोई भी नई चीज़ नहीं है बिल्कुल वही है सिर्फ सिंपल प्लस करना है टू प्लस माइनस ये वन आ गया ये थ्री प्लस वन आ गया ये इसी तरह टू प्लस टू आ गया ये थ्री प्लस ज़ीरो आ गया ये वन प्लस ये माइनस वन है तो वन माइनस वन आ गया टू प्लस टू आ गया ये माइनस वन प्लस जीरो आ गया तो ये सिंपल है इसी तरह हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया अब इसकी हमने राइट हैंड साइड देखनी है ए माइनस सी प्लस बी चले जी राइट हैंड साइड ये मैंने ए लिख लिया ये सी मैट्रिक है ये माइनस का साइन आ गया और ये यहाँ पर ब्रैकेट दी थी तो मैंने इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया प्लस ये बी है तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व किया इस तरह ये पहले के साथ पहला ये माइनस था ना माइनस और माइनस ये प्लस हो गया यहाँ पर और इसी तरह ये जो माइनस का था ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया बाकी ये सारे माइनस के आएंगे और ये मैट्रिक वैसे ही हम नीचे लिख देंगे उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमने सॉल्व कर लिया इसको ये प्लस का साइन आ गया और उसके बाद ये मैट्रिक्स वैसे ही आ गया अब ये इसका जो है आंसर जो है ये आ गया हमारे पास टू प्लस वन टू माइनस वन ये हमने इसको इन दोनों को जब प्लस किया बाकी सब के साथ प्लस आया देखें ये सिर्फ इन दो के साथ माइनस आया तो यहाँ पे दो के साथ माइनस और बाकी सब के साथ प्लस ये जैसे डिजिट लिखे हुए ऐसे ही ये जो प्लस है ये जिन दो के साथ माइनस था उन दो के साथ ये माइनस में चेंज हो जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री वन फोर फोर थ्री जीरो थ्री माइनस वन वन तो ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है आप देख सकते हैं ये देखें दोनों सेम है तो हम इसको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो चलें जी ये इसका लास्ट पार्ट है लास्ट पार्ट आप देख लें सिंपल बिल्कुल इजी है सबसे इजी पार्ट है कोई मुश्किल नहीं है इसमें टू ए प्लस टू बी इज़ इक्वल टू टू इंटू ए प्लस बी है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ये टू ए लिख लिया प्लस टू बी लिख लिया अब यहाँ पर देखें पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स था उसमें टू ए और बी एलहदा से लिखा हुआ तो बी के साथ टू नहीं था अब ये भी वही चीज़ है सिर्फ यहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर टू ए के साथ भी है और बी के साथ भी है तो हमने ए के सब एलिमेंट्स के साथ भी हमने टू लिख देना है बी के भी सब के साथ टू लिख देना है लिखने के बाद हमने ये यहाँ पर इसको हमने बिल्कुल ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो दिए हुए हैं तो हमने इसको जब सॉल्व करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा टू को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये सब एलिमेंट्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल मल्टीप्लाई है कुछ भी इसमें न्यू नहीं, नहीं है बिल्कुल इजी है बिल्कुल ही आसान है आपने सिंपल इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है उसके बाद ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए तो इन दोनों को हमने प्लस कर देना है सिर्फ ये जो दो हैं इनके साथ माइनस का साइन था तो ये देखें ये यहाँ पर और यहाँ पर माइनस आ गया बाकी सब के दरमियान में प्लस आ गया सिंपल और उसके बाद जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये जो मतलब ये प्लस करेंगे ये माइनस होगा ये प्लस होगा इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा फोर टू एट एट टू सिक्स एट ज़ीरो एट ठीक है जी, अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में टू इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी के हम काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं वही कुछ है कोई इसमें चेंजिंग नहीं आया अब तो हमारे पास डिजिट भी वही है ना डिजिट भी कोई चेंज नहीं है वही है आप अगर देखना चाहें तो वीडियो दोबारा पीछे करके आप देख सकते हैं कि हमने इनको कैसे प्लस किया था सिंपल इनको प्लस करना है तो ये हमारे पास आंसर आया था ये हमारे पास आंसर आ गया ये टू है टू को इसके साथ सिंपल इस मल्टीप्लाई करना है हर डिजिट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस तरह तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है प्रूव टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू टू इन ए प्लस बी तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर फाइव किया हमने आज एक्सरसाइज़ वन पॉइंट थ्री का नाइन्थ क्लास मैथ एक्सरसाइज़ वन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फ़ाइव आज हमने कंप्लीट कर लिया है आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में भी अक्सर आ जाते हैं इनमें से क्वेश्चन तो आपने इसको छोड़ना नहीं है और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है ताकि मेरे जितने भी अगले लेक्चर हैं वो आप तक बसानी पहुँच सकें तब तक के लिए अल्लाह हाफि तो मिलते हैं अगली वीडियो में